दोस्तों आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। और फिर एक बार नया एरोमा का एक प्रोडक्ट सामने है, एरोमा NB128 हैप्पी 24 आवर प्ले टाइम डीप बेस मेड इन इंडिया वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं। इसकी जो प्राइसिंग है वो है 300 रुपीज़। तो 300 रुपीज़ के हिसाब से लुक तो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा इसका। तो अब देखते हैं स्पेसिफिकेशन। इस वीडियो में मैं आपको इसकी कॉल क्वालिटी बताऊँगा, इसकी बैटरी बताऊँगा, इसकी साउंड क्वालिटी बताऊँगा। इस वीडियो में पूरा एंड तक ज़रूर बने रहना। यहाँ पर सबसे पहले बात करें भाई, अगेन क्विक चार्जिंग का सपोर्ट है, 10 मिनट चार्ज पर 5 घंटा वाला 24 आवर टोटल आपको मिलेगा। टाइप सी क्विक चार्ज है, इसके साथ केबल भी आपको मिल जाएगा। एक साथ डुअल पेयरिंग आप कर सकते हो। आपको मालूम है दो फोन में 12 mm का ड्राइवर है, तो भाई बहुत सारे बार ऐसा हो रहा है कि भाई 12 mm का ड्राइवर के अंदर भी साउंड क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं मिल रही है। ये तो वैसे ही हो गया जैसा आपको मेगापिक्सल बता दिया ज़्यादा, लेकिन भाई डिपेंड करता है सेंसर के ऊपर मोबाइल का। तो जी इतना था इसका, ठीक ठाक है, अच्छा है मैं बोलूँगा, अगर स्पेसिफिकेशन जो है प्राइस के हिसाब से। तो अब देखते हैं सबसे पहला तो इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, क्या ये वर्थ इट है साउंड क्वालिटी। ओके, इसके बारे में ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है, लिखा नहीं गया है। तो बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा, यानी कि 24 आवर ऑफ बैटरी बैकअप आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो वो हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। मतलब ये बराबर बैटरी बैकअप उसका चलता है वैसा ही है। तो फुल्ली सेटिस्फाइड साउंड क्वालिटी एंड बैटरी बैकअप इज़ गुड, यानी कि आपको ये समझना है कि जो साउंड क्वालिटी है वो अच्छा है बताया गया है। अच्छा मैं आपको समझना, जब कोई कस्टमर ये कहता है कि अच्छा है, इसका मतलब है कि नाइस है, उसने बहुत अच्छा नहीं बताया। इसका मतलब है कि आपको साउंड क्वालिटी आप कंसिडर कर सकते हो इस प्राइस में, बट ज़्यादा आपको बढ़िया नहीं मिल रहा है। तो साउंड क्वालिटी के मामले में उतना हाईलाइट नहीं रहेगा। जो हाईलाइट यहाँ पर जो होने वाला है वो है इसका क्विक चार्जिंग का सपोर्ट। लुक्स आर ऑसम, ईजी, बिल्ड क्वालिटी इज़ ऑल्सो गुड, या डेफिनेटली। तो बेसिकली अभी आपको मैं बताने वाला, और कॉल क्वालिटी की बात करते हैं। बेसिकली जितने भी जो प्रोडक्ट होते हैं, नेक बैंड होते हैं, इसमें ENC के सपोर्ट नहीं होता, डुअल माइक सिस्टम नहीं है। तो जब आप इसे नॉर्मल कॉल लोगे आपको अच्छे से सुनने में आएगा, लेकिन जब आप चल के कॉल लोगे तब आपको प्रॉब्लम होगा। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। जितने भी नेक बैंड्स आपको 200-300 रुपए में मिलते हैं, इसमें आपको चलते वक्त दौड़ते वक्त आप बराबर से बात नहीं कर पाओगे। तो अगर आप बाइक पे हो तो आप समझ लेना कि ये आपका काम नहीं आने वाला। इस वीडियो में बस इतना था। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना, क्योंकि इस तरह के वीडियोस में और भी बनाने वाला हूँ। तो फाइनल ये आता है कि क्या ये प्रोडक्ट ख़रीदना चाहिए। वेल 300 रुपये आपका बजट है, मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं। पहला आप ये देखिए कि और कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है क्या 250 में या 200 में। मैं आपको बोलूँगा अगर आपका साउंड क्वालिटी प्रायोरिटी है तो मतलब मैं बोलूँगा कि वायर एयरफोन में आपको जो साउंड क्वालिटी जो मिलता है वो अभी तक आपको नेक बैंड्स में आपको देखने को नहीं मिला। तो वायर एयरफोन हमेशा जो है इनसे आगे ही है अभी तक के। बट आने वाले टाइम में अभी बहुत सारे मैं देख चुका, FPX का जो गोल्फ है उसकी साउंड क्वालिटी बेस मुझे काफ़ी अच्छा, ट्रेबल्स उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे FPX गोल्फ की, लेकिन साउंड क्वालिटी जो बेस है वो काफ़ी तगड़ा है उसका। तो ये लोग वर्क कर रहे हैं, बट फिर भी टाइम लगेगा। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना।